जी हाँ, आज का एक बहुत ही साधारण सा विषय बट बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। और ये ऐसा विषय है जिस विषय को हम दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक हम इस विषय से रूबरू होते हैं। आपको ध्यान होगा, या हम कहीं बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति सक्सेस हो गया, वो जीवन में बहुत आगे पहुंच गया, उसका माहौल अच्छा था, वो व्यक्ति वहाँ से वहाँ पहुंच गया, उसका माहौल अच्छा था, उसके पास माहौल बहुत अच्छा था, उसके पास माहौल नहीं था। आज मैं उसी माहौल की बात कर रहा हूँ। आज इस वीडियो संदेश में हम जानेंगे कि माहौल वास्तव में होता क्या है, और दूसरी बात ये जानेंगे कि मेरे पास, ध्यान दीजिएगा कि इस विषय में मैं ही सबसे महत्वपूर्ण इकाई हूँ, तो मेरे पास माहौल है या नहीं है। अगर मान लीजिए माहौल है तो मैं इसको और बेहतर कैसे बनाऊँ, और मान लीजिए माहौल नहीं है तो मैं इसको कैसे नहीं को है में कन्वर्ट करूँ, यानी कि कैसे मैं संसाधन जुटवाऊँ। तो इसमें सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, और ये पर्यावरण यानी कि माहौल क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा वहाँ पे जहाँ पे हमने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए का मतलब मेरी पहचान इतने समय बाद किस रूप में होनी चाहिए। एक स्टूडेंट का मैं उदाहरण लूँ, एक स्टूडेंट जो 10th में है, 11th में है, वो क्या सोचता है, 2 साल बाद मेरी पहचान इस रूप में होनी चाहिए, 5 साल बाद इस रूप में होनी चाहिए। या जो स्टूडेंट पढ़ाई पूरी कर चुके हैं वो क्या सोचते हैं कि 2 साल बाद मेरी पहचान इस रूप में होनी चाहिए, यानी कि मेरे को इस पद तक पहुंच जाना है, मेरे को इस लेवल तक पहुंच जाना है। वही है क्या, यानी कि व्हाट आई वांट, कि मुझे क्या चाहिए। महत्वपूर्ण है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, ये 2 सवाल हैं। क्यों का जिक्र यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर्यावरण को अगर पढ़ना है, जानना है, तो हमें इस एक सवाल से जुड़ना है। और चलिए हम जुड़ते हैं एक सवाल से, और आप बताइए कि एक स्टूडेंट को क्या क्या चाहिए। मान लीजिए आप किसी भी स्टैंडर्ड का, मान लीजिए आप अगर स्टूडेंट है तो आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, या किसी और स्टूडेंट को क्या क्या चाहिए। जो जो चीज़ें चाहिए वो है पर्यावरण, जो जो चीज़ें चाहिए, यानी कि चाहिए में ये स्पष्ट हो गया कि क्या चाहिए। तो आप देखिए, अगर मैं मेरा उदाहरण लूँ तो मुझे सबसे पहले 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहला है कि मेरे पास ये स्पष्ट है कि मेरे दिमाग में स्पष्ट है कि मुझे ये सामान चाहिए। सबसे पहले मुझे इरादा चाहिए। तो जब हमारे पास ये क्या स्पष्ट है कि मुझे क्या चाहिए, वही मेरा पर्यावरण है, वही पर्यावरण मुझे चाहिए। और 90% के केसेज में ये देखा गया है कि जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो हम हमारे सराउंडिंग में, हम जहाँ रहते हैं उसी से हम उठाते हैं, उसी से हम लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए, यानी कि जो हमें आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं उसी को हम अधिकांशतः चूज करते हैं। तो जब ये हो गया कि मुझे क्या चाहिए, ये स्पष्ट है कि मुझे क्या चाहिए, तो हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। और एक लिस्ट तो यहाँ पे 2 लिस्टें बनती है। स्टूडेंट ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिए कि 2 लिस्ट बनती है। एक लिस्ट तो बनेगी मेरे मन के अंदर कि मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक, मेरे माइंड में क्या क्या चाहिए। जैसे एक मैं आपको ताज़ा उदाहरण से रूबरू कराऊं, जब मुझे वीडियो शूट करना था तो मुझे क्या क्या चाहिए था। एक मेरे को ये चाहिए था, ब्लैक ये चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, कैमरा स्टैंड चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट हुई, ठीक। और ये है, ये लिस्ट सेकंड है, यानी कि हम जिसको कहते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट।
और इससे पहले मुझे क्या चाहिए कि मेरे दिमाग में एक विचार, एक इरादा कि मुझे क्या चाहिए, वो मेरे मन में आया कि मुझे ये करना है, तो मैंने शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये लिस्ट चाहिए, हमारे अंदर की लिस्ट चाहिए, इंटरनल। और अंदर की लिस्ट जो कि आप अपना गोल बना चुके हैं, याद रखिएगा, इससे पहले का मैंने एक लक्ष्य पे वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, तो उस हम मैं उस उसी क्या की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो मेरे मन में ये कि मुझे ये करना है, और वो ये मेरी सॉफ्ट कॉपी लिस्ट बन गई, और ये हार्ड कॉपी, ये फिजिकल हो गया, यस। अब इसमें अंतर कितना है, या दोनों बराबर हैं, या ये ज्यादा है ये ज्यादा, कौन सा कम और ज्यादा है, इसी से डिसाइड होगा कि मेरा माहौल कैसा है। चलिए हम जानते हैं कि मेरा माहौल सही है या नहीं है। अभी मेरे पास दो लिस्टें आ गई हैं, एक लिस्ट वो है कि मुझे क्या चाहिए, एक लिस्ट ये कि मेरे पास एक लिस्ट ये कि मेरे को सॉफ्ट कॉपी में क्या चाहिए, यानी कि मेरा इरादा क्या है, मेरे मन में क्या चल रहा है, और दूसरी चीज है कि मेरे को फिजिकली उन चीजों के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। अब चलिए आगे, अब देखते हैं कि मेरे पास मेरा माहौल सही है या नहीं है। तो ये जो जो मन की लिस्ट है, इसको मैं कह देता हूं आंतरिक, और इसको कह देता हूं बाहरी। अब इस दोनों में हम संतुलन करते हैं, हम देखते हैं कि देखिए, आंतरिक तो अपने पास है, जिसकी कमान अपने पास है, ये कोई किसी को दिखाई नहीं देती, आंतरिक की कमान अपने पास है। तो यहां तो हमारे पास देखिए 100% है, 100% मालिक हम हैं आसानी से। अब बाहरी रूप पे, अब जैसे फिर से उदाहरण दूं कि मेरे पास कुछ सामान नहीं था, जो कुछ सामान मैंने मैनेज किया, जैसे कुछ सामान पहले से घर पे था और कुछ सामान को मैंने मैनेज किया, तो जो है ठीक है उसी तरह से। तो यहां देखिए मेरे पास सही है या नहीं है। अब देखेंगे संसाधनों की, तो संसाधन में हमारे पास फिर ये दो लिस्ट हैं, दोनों लिस्टों में हम ये लिस्ट, तो इस पे कुछ नहीं करना है, इसको तो हमें पक्का करना है कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए कुछ भी हो जाए, रिफाइन करना है इसमें, ऐड करना है, इसको घटाना नहीं है, इसे और जोड़ना है। जैसे मान लो एक बच्चे ने सोचा हो कि मेरे को तो एक स्कूल टीचर बनना है, तो उसमें वो ऐड कर दे कि मेरे को स्कूल में भी हायर लेवल का बनना है। जैसे मान लो सपोज सेकंड ग्रेड का सोचा है, तो उस वक्त के साथ वो उसको फर्स्ट ग्रेड में ले जाए, हायर ले जाए, उसको लोअर नहीं लाना और चेंज नहीं करना, क्योंकि ये हमारी बात लक्ष्य पे हो गई है। अब ये हमारे पास 100%। अब चलिए यहाँ आते हैं बाहरी फैक्टर पे, फिजिकल में हो सकता है, फिजिकल में हमारे पास दो लिस्ट बनेगी, एक तो जो हमारे पास उपलब्ध है और दूसरे हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे दो लिस्ट बनेगी, एक तो है कि मेरे पास कुछ सामान होता है, कुछ सामान नहीं होता है, कुछ सामान होता है, कुछ सामान नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर मैं इसको 50-50 करता हूँ, इसको मैं 50-50 करता हूँ, आधा आधा करता हूँ, और इसको मैं दोनों को 100 मानता हूँ, देखिए दोनों को, ये 50% हिस्सा ये और 50% हिस्सा ये तो मेरे पास पूरा है, और ये मान लो आधा है, तो यानी कि मेरे पास 75% स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं स्ट्रेंथ, मेरे पास स्ट्रेंथ है। तो अब जो इसका मतलब, ये हिस्सा अगर मेरा 50% से कम आ रहा है, इसका मतलब तो मेरे पास संसाधन कुछ कम है, और मेरे पास 50% या इससे ज्यादा संसाधन है, तो यानी कि मेरे पास मेरा माहौल उचित है, मुझे अब क्या करना है, इस माहौल को बढ़ाना है। और हो सकता है आपकी लिस्ट में ये कम आ जाए, तो इसको माहौल को बदलना है, इसके लिए क्या करना है, इसकी हम बात करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो बाहरी जो संसाधन है यहाँ पे, यानी कि हमें दो काम करने हैं, एक तो हमारा फोकस अब रहेगा इस पे, यानी कि जो मेरे पास अवेलेबल है, जो मेरे पास अवेलेबल है इस पे फोकस रहेगा, और इसका फोकस हम क्या करेंगे, जितना अवेलेबल है उसी पे रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर तो है ही नहीं हमारे पास, यानी कि बच्चे के पास अगर एक ही बुक है तो एक ही बुक पढ़ेगा वो, उसको अगेन एंड अगेन पढ़ेगा, रिपीट एंड रिपीट पढ़ेगा, क्योंकि दूसरी बुक उसके पास नहीं है, ठीक। तो इसको जो अवेलेबल पे फोकस करेंगे, और क्या करेंगे कि जो नहीं है उसके साथ अपन करेंगे कि इस पे क्या विकल्प इसका हो सकता है कि मैं यहां तक पहुंच जाऊं, यानी कि मेरा मुझे क्या मिल जाए, व्हाट आई वांट मिल जाए, कि मैं क्या करूं। पहले बात करते हैं फोकस की, जब हम फोकस की बात करेंगे
तो क्या होता जाएगा कि जब हम एक ही चीज को बार बार करते हैं तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये हमारे मस्तिष्क का स्वभाव है, ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। तो हम क्या करते हैं, धीरे 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 हम क्या बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। और आप सबको मालूम है कि जमाना किस चीज का है, एक्सपर्ट का जमाना है, ये आप सब जानते हैं। तो एक्सपर्ट बन गए, एक्सपर्ट बनते ही मुझे मेरा गोल मिल गया, मेरा लक्ष्य मिल गया, यानी कि मेरे गोल का जो था क्या, व्हाट आई वांट, वो मेरे को मिल गया। साथ ही साथ जैसे जैसे इसमें आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी, आप उसमें स्ट्रांग होते जाएंगे, आप में गहराई बढ़ती जाएगी, साथ के साथ ये विकल्प का इंप्लीमेंट और करना है हमें कि इसका विकल्प क्या है। जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं मैं सिंपल सा, कि अभी का लेता हूं ताजा, कि जैसे अभी स्कूल्स का अभी बंद है, अभी तो स्कूल्स का विकल्प आ गया ऑनलाइन का, ठीक है, ये मैंने ताजा एग्जाम्पल लिया है। ऐसे ही किसी बच्चे के पास अगर बुक खरीदने के लिए या कोई विशेष बुक है उसके लिए अगर संसाधन नहीं है तो उसके टीचर, हाँ मेजोरिटी में टीचर्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं, मेजोरिटी, बट वो हेल्पफुल तभी होंगे जब उनको ये आपकी जो यस वाली जो एक्सपर्टीज जो है, यहाँ एक्सपर्टी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे आप इस पे अवेलेबल पे फोकस करेंगे आपकी एक्सपर्टी निखरेगी, और जैसे आप इस पे फोकस करेंगे तो आपका रास्ता सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमें किस पे आप फोकस करना है, किस बात पे ध्यान देना है, कि हमें उपलब्ध पे फोकस करना है और साथ में हमें विकल्प, यानी कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, हमें इसका अल्टरनेट निकालना है। तो ये था हमारा माहौल, ये है हमारा पर्यावरण, और इसी के साथ आज बस इतना ही। थैंक यू।